Because as a newcomer, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना, इतना अच्छा कैरेक्टर मिलना, इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉमन. यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म, एंड इट हैज लॉट ऑफ स्कोप फॉर समवन न्यू टू डू समथिंग डिफरेंट एंड ट्राई एंड शाइन. तो उसके वजह से आई वॉज वेरी कन्विंस्ड व्हेन आनंद सर हैड नरेटेड द स्टोरी टू मी. तो आई फील लाइक इट हैज दिस यूनिट हैज बिकम लाइक अ फैमिली. We've all become like a family, one big happy family, joking, laughing. I'm going to miss working on this film again because it's over now, and it's sad that it's over because we had so much fun, you know. And it's been a great experience. I can't I can't ask for anything better. जय, मेरा क्वेश्चन आपसे भी है. आपकी yeah. हाँ जी. आपकी back to back. अच्छा था. और एक अलग तरह का किरदार निभाया है मैंने. अपनी उम्र से 5-6 साल बड़ी लड़की का किरदार निभाया है. वो बहुत एक्साइटिंग था, वो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज जिस तरह का मेकअप और जो सब कुछ यू नो यूज़ किया है उन्होंने, आई हैड टू लुक ओल्डर देन अकिल, और वो खुद ही इतने बड़े से हैं. सो दैट वॉज चैलेंजिंग. एंड सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि मैंने मेरी ग्रैंड मॉम, माय लेट ग्रैंड मॉम्स ज्वेलरी आई हैव यूज्ड इन द यू नो सम शॉट्स, बिकॉज आई वांटेड टू जस्ट यू नो शी पास्ड अवे रिसेंटली, सो आई वांटेड टू कीप इट क्लोज टू मी. सो देखिए, हर किरदार जो एक आर्टिस्ट निभाता है ना, उसके लिए बहुत यूनिक होता है, तभी हम वो फिल्म साइन करते हैं, यू नो. सो अगर आप मुझसे पूछे कि यू नो ये यूनिक था और पहली जो फिल्में की हैं वो यूनिक नहीं थी, ऐसा नहीं है. हर एक फिल्म जो मैंने की है उसमें मेरे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट था, मेरे लिए कुछ स्पेशल था. तो हर एक फिल्म आई वुड से हैज़ बीन क्लोज टू माई हार्ट. जी, आई वॉज ऑनेस्टली वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड, बिकॉज सुनील सर को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, यू नो, एंड टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम is like a dream come true. And he came up to me today and he was like, you've done a fantabulous job in the film, so I think my day is made. Was there any point, you know, while sharing the screen space with him, was there any point you realized, okay, I can learn something from this guy, yeah, you know, it has been so many years, you know, these people are working, they are stalwarts and still so humble and so well spoken, you know. Kabhi bhi unke saath baith ke ek minute bhi aisa nahi lagta hai that you know these are stars. He is so grounded and so humble. I think that is what every person should learn from these stalwarts. जी हाँ, बिल्कुल. अखिल के साथ मुझे एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि दैट ही इट्स हिज डेब्यू फिल्म. आई थिंक ही इज वेरी पॉलिश्ड एंड अखिल्स एक्शन इज मतलब रियली, आप देखेंगे जब उन्हें फिल्म में एक्शन करते हुए, ही इज सो फाइन विद एवरीथिंग दैट ही हैज डन, यू नो, दैट आई वाज रियली इंप्रेस. तो ऐसा मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं लगा दैट ही इज इट्स हिज फर्स्ट फिल्म. हम इस फिल्म में नहीं है, मेरी बेटी कर रही है, साशा आगा खान ये फिल्म. और आई हैव ग्रेट होप्स. एक्चुअली ये उसकी पहली फिल्म होनी चाहिए थी, उसका बड़ा वेल सूटेड अकॉर्डिंग टू हर कैरेक्टर सारा इसमें उसने प्ले किया है, और उसकी परफॉर्मेंस भी, उसकी लुक्स भी. एंड आई मस्ट से दैट डायरेक्टर आनंद कुमार हैज़ हैंडल्ड अ वेरी वेल एंड शी इज़ डन अ वेरी फाइन जॉब. इनफैक्ट दोनों और दूसरे न्यू कमर्स हैं, जय अखिल, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. सब ने अपनी अपनी जगह अपने रोल जस्टिफाई किए हैं, और बहुत अलहदा कहानी है. बहुत सारी कहानियाँ आई हैं दो दोस्तों पे पहले, मगर ये जो है बहुत मुख्तलिफ है और लोगों को बहुत पसंद आएगी. बिल्कुल सुनी थी कहानी, हमने सुनी थी, साशा ने सुनी थी, और कहानी बहुत अच्छी लगी थी, हमें बहुत अच्छी लगी थी. देखिए, अगर हमें उससे उम्मीद ना होती तो हम उसको फिल्म में आने ही ना देते. और फिर परफॉर्मेंस का तो ये है कि दिस इज़ माय फोर्थ जनरेशन ऑफ फिल्म मेकिंग. आई वाज जस्ट अवार्डेड एंड आई एम वेरी यू नो ऑनर्ड एंड हैप्पी अबाउट इट. उनका दादा साहब फाल्के अवार्ड, डॉक्टर अमरेदकर अब्रॉड,
and I'm very happy about it, and I hope that Sasha would be able to achieve great lengths as far as performance goes. She's a fine actress, looks pretty. All we need is good wishes from the public. नहीं, साशा गा भी रही है गाने. इसकी पहली फिल्म का भी इसने खुद प्लेबैक दिया था, इसका भी दे रही है, और दूसरी जो फिल्म है अदर देन दैट, उसका सिंगल भी है, कभी इंग्लिश का रिलीज हुआ है. एंड शी इज अ गुड सिंगर एंड शी विल इंशाल्लाह प्रोसीड इन हर सिंगिंग करियर एज वेल. या सर, तो आपकी सेकंड फिल्म जी हां, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखो, रोल जैसा आपने बोला, मेरी सेकंड